सबसे पहले मैं एक दीदी की बच्ची है उनका नाम लेना चाहती हूँ सीरत। बहुत रिक्वेस्ट की दीदी प्लीज़ मेरी बच्ची का नाम ले दो। तो दीदी ये लो, कल जो मैंने दही वाला पैक बताया था आप लोगों के लिए, तो उसमें मुझे कमेंट आए थे बहुत सारे कि दीदी आपने पहले भी बताया था वो हमें पैक, और अभी भी आपने बताया, तो दीदी इसमें और उसमें फ़र्क है। वो दो मुँह के वालों के लिए था और ये अपना सिल्की सॉफ्ट एक मतलब हेयर ग्रोथ के लिए, और वो भी हेयर ग्रोथ के भी लिए है। दोनों ही पैक बेस्ट हैं, बस उसमें रीठा है, इसमें रीठा नहीं है, ठीक है। और दो एक दीदी पूछ रही थी, दीदी दोनों में से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट तो सारे ही पैक हैं, बस लगाने का तरीका आना चाहिए और सब्र होना चाहिए दिल में। अगर आप लोग अच्छी तरीके से लगाओगे तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैंने सोचा थोड़ा अगर मैं बाल कॉम ही कर रही हूँ तो आप लोगों को बता दूँ कि कॉम कैसे करती हूँ मैं और अपना टोनर कैसे लगाती हूँ। ओके, टोनर नहीं, कलौंजी वाला पानी। अगर आप पार्टीशन करके अपने बालों को कंघी करोगे ना तो जल्दी हो जाता है। और हाँ, उस पैक को आप लगाओगे ना तो आपके बाल एकदम सिल्की सॉफ्ट और एकदम नरम हो जाएंगे बिल्कुल। और जिन दीदियों ने लगाया है ना उन्हें तो पता ही चल गया होगा कि वो पैक कितना अच्छा है। बस एक आपको तसल्ली रखना है क्योंकि एक साथ तो बाल नहीं रुकेंगे झड़ने से, धीरे धीरे ही रुकेंगे, किसी के एक साथ नहीं रुकते। ये निकला है मेरा, देखो। नज़र उतारने का एक तरीका आपको मैं बता देती हूँ, नॉर्मल है, सबके घर में होता है। जैसे ये बाल है, इसे लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक ऐसे करके, रियल में ज़्यादा नहीं थूकना, बस ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और फिर आप अपने इस बाल को कहीं पे भी ऐसी जगह पर फेंक दो जहाँ मतलब उड़ उड़ के ना आए घर में, या कहीं पर रख सकते हो आप। तो बस मैं तो ऐसे करती हूँ। और कुछ नहीं है मेरा, कल मैंने होममेड शैम्पू से बाल हेयर वॉश किए थे मैंने, बस आपका आने वाला है वो वीडियो। टाइम लगेगा बस थोड़ा, क्योंकि उसको
बस ऐसे आपको छोड़ देना है लगा के, ठीक है। जब ये सूख जाए तब आप अच्छे से चोटी बना सकते हो, नहीं तो अब दोपहर में बरसात के मौसम में अगर आप एक से दो बार ही लगाओगे कलौंजी का पानी, चावल का पानी तो नहीं लगाओगे तो ही अच्छा है। बरसात के मौसम में जुकाम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये देखो मैंने ना ये मंगाया था रीठा, मेरा रीठा है ना आपकी बार सही नहीं आया, बेकार है, अच्छा नहीं आया। मैंने ऑनलाइन मंगाया था, वैसे तो ठीक है पर फिर भी पहले के जैसा नहीं है। इसकी गुठलियाँ निकली हुई हैं, छिलका छिलका है, गुठलियाँ निकली हुई है छिलका छिलका। जब ये सूख जाए ना तो आप चोटी बना सकते हो या फिर से आप पानी लगा के फिर से जूड़ा बना सकते हो। और एक दीदी ने बोला था मुझे कि दीदी आप अपने जो भी प्रोडक्ट आपने मंगाए हैं वो उन्हें हमें बता दीजिए कौन कौन से हैं। तो एक मिनट, ये मेरा हबिकस पाउडर है, मतलब गुड़हल के फूलों का पाउडर है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। ये मुझे इसकी प्राइस तो 249 रुपये की है पर 148 रुपये में मुझे मिला था ये। और ये फेस के लिए भी यूज़ होता है, मैंने लगाया था कल इसे फेस पे तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा फेस पे भी होता है। निरोमा साइन का है ये, साइंस का, एनएस की कंपनी, एनएस कंपनी से है ये। और ये मेरे विटामिन ई के कैप्सूल हैं, फेशियल ऑयल के लिए भी है, मतलब ये फेस के लिए भी है और हेयर के लिए भी है, ये दोनों के लिए हैं। एलोवेरा एंड विटामिन ई दोनों मिक्स है, इसमें एलोवेरा भी मिक्स है। और मैं इसका लिंक डाल दूंगी आप लोगों के लिए, अगर डल जाएगा तो मेरे से डाल दूंगी टाइम होगा तो, ठीक है। और ये कैस्टर ऑयल है अरोमा मैजिक का, इसकी प्राइस है 115 रुपये और ये मुझे 96 का मिला था ये, ठीक है। और ये फ्लेक्सीड है, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, इसकी प्राइस है 499 रुपये, मतलब 500 रुपये प्राइस है। और यूवी का कंपनी आती है कोई सी, उसका है ये फॉर यंग लाइफ यूविका का कुछ। और ये मुझे 350 में आके मिला, ये 350 में ये मुझे। और एक मिनट, और एक और चीज़ मंगाई थी, ये भिंगराज पाउडर है, होममेड घर का बना हुआ है ये, और 250 रुपये का है ये। और एक पैकेट मैंने इस्तेमाल कर लिया है, एक मेरे पास रखा हुआ है अभी।
और एसेंशियल ऑयल तो आपको मैं बता दिया, रोजमेरी और लेवेंडर वाला, बस यही है मेरे पास और है नहीं। बस एक बात यही कहना चाहती हूँ कि जिनके भी बाल झड़ रहे हैं वो प्लीज़ अपना मतलब पैक स्टार्ट करें। जो भी पैक मैंने 5 से 6 पैक बताए हैं, उन पैकों में से आप कोई भी पैक 1 महीने के लिए कंटिन्यू करो, ठीक है। 1 महीने के लिए लगातार लगाओ, फिर 1 महीने के बाद में चेंज करो। और एक दीदी ने पूछा था कि दीदी हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि 1 हफ्ते ये पैक और 1 हफ्ते ये पैक? हाँ लगा सकते हो, आप लगाना चाहते हो जैसे भी लगा सकते हो। मैं वीडियो में इतना बता देती हूँ बार बार, तो कमेंट का तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं होता, पर फिर भी आप लोग पूछते हो तो अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए। अपन मेरा जवाब आने का इंतज़ार भी करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने डांस की वीडियो डाली, पता है मुझे एक ईमेल आया, आप डांस की वीडियो नहीं डाल सकते क्योंकि सेम टू सेम ड्रेस हो गया तो नहीं डाल सकते, तो इसलिए मैं इस चैनल पे डांस की वीडियो नहीं डाल सकती। अगर कभी हुआ बाय चांस कुछ अच्छा तो मैं डांस वाला जो भी चैनल होगा वो चालू करूँगी, तब उस पर डालने की कोशिश करूँगी, अगर हुआ अच्छा तो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और एक बात और, वीडियो आप स्किप ना किया करो, पूरी देखा करो, उससे अच्छे से समझ में आएगा। और तो आप लोगों की मर्जी है। और एक दीदी ने बोला विटामिन ई के कैप्सूल और एसेंशियल ऑयल हम किस किस चीज़ में मिला सकते हो? दीदी आप पैक में भी मिला सकते हो, ऑयल में भी मिला सकते हो, और ये पानी है कलंजी वाला इसमें भी मिला सकते हो। और आप मेरे वाले जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं वे फेशियल वाले भी हैं और हेयर के लिए भी, दोनों हैं। मैंने कल गुड़हल का पाउडर और विटामिन ई के कैप्सूल दोनों लगाए थे फेस पे, आज तो चमक मार रहा है फेस, नाइट में लगाया था। और मम्मी वाला काजल भी भर भर के लगाया मैंने फेस पे, वो फेस पे नहीं आँखों पे, तो आज तो आँख भी अच्छी लग रही है। लगाऊंगी कम से कम 1-1.5 महीने लगाऊंगी तो आँखों से कचरा निकलेगा, आँखों में कचरा भर जाता है ना तो आँख हमारी बेकार हो जाती है, तो वो सही हो जाएंगी फिर। और बस पैक स्टार्ट करो, जिनके भी बाल झड़ रहे हैं स्पेशली मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जितना हो उतना पैक लगाएं, अपने आप आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में भी बालों का झड़ना स्टार्ट रहता है। तो बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ, कल का जो मैंने वीडियो डाला था पैक वाला वो बेस्ट है, और वो पैक इतना बेस्ट है कि मैं खुद नहीं बोलूँगी, आप लोग लगाओ, आप लोगों के खुद के आर अपने आप सिल्की होते स्टार्ट हो जाएंगे, और जब सिल्की हो जाएंगे तो बाल भी झड़ना अपने आप रुक जाएंगे बिल्कुल। नमस्ते, बाय। पानी पिया करो घटक घटक के, जितना हो उतना, ठीक है, ओके, लव यू।